हम उनके जब बहुत पुराना मतलब हमारे बाप मन हमारे दर बाबा मन बताए कि यो तालाब में रवन रिसे गाड़ा रवन अच्छा अब गाड़ा रवन उमल आवा जही कह रहे हैं तालाब हरी से सूखा। जब तालाब के अंदर बराती में नहीं होती दुल्हन लेकर के वापस आई तब जाना थे कि अभी लंग थिराली तालाब है सूखा है थिराली करके तो वो तालाब हो पानी भर गए। जब उमन तालाब में छह हाथ रिश्ता छह हैं तो तालाब हो पानी भर गए। अब पानी भरे के बाद उमन सब खत्म हो गए। उमा के दो चार ठन अभी कुछ कुछ उमन के जो उन्हें पत्थर मूर्ति जो उन्हें तालाब में देखे ले मिल जाते ओकर अवशेष जो बचे पत्थर लहूट गिरी थे पत्थर लहूट गिरी अवशेष बचे है तेमन तालाब में कुछ कुछ देखे ले मिल जाते। जय जोहर संगवारी हो संगवारी हो। आज आप मतलब लेके आ गए संगवारी हो जांजगीर चांपा के देवकोनी गांव जहाँ संगवारी हो एक अनोखा कहानी है बरतिया मन पत्थर बन जाते एक अनोखा कहानी है। आज भी ओकर संगवारी हो अवशेष हिवाय चला संगवारी हो लेके चलथन वो स्थल में और गांव वाले मन से भी जानथन संगवारी हो चैनल मन आया तो चैनल सब्सक्राइब कर दिया और वीडियो लाइक कर दिया चला संगवारी हो लेके चलथन वो मेरा। जय जोहार संगवारियो संगवारियो आज अपन लेके चला थन संगवारियो छत्तीसगढ़ के एक अनोखा और रहस्यमय जगह जहाँ संगवारियो बराती मन पत्थर के बन जाते ऐसे अनोखा कहानी है। आज भी संगवारियो तालाब के आसपास बराती मन के अवशेष और तालाब में भी बराती मन के अवशेष मिलते ये लगभग संगवारियो बलौदा से संगवारियो 10 किलोमीटर और जांजगीर से 17 किलोमीटर अकलतरा से 15 किलोमीटर और लगभग बिलासपुर से लगभग संगवारी हो 50 किलोमीटर और कोरबा ले लगभग 60 किलोमीटर संगवारी हो। अभी मैं वो जो जगह हम खड़े हूँ यहीं से यही जगह है संगवारी हो जहाँ बराती मन यहाँ से गुजरी से तब पत्थर के तब्दील हो गए। आज भी संगवारी हो वो बराती मन की गाड़ा बैला ढोलक हारमोनियम ऐसे ऐसे आकृति के यहाँ पत्थर देखे वो मिलते ऐसे और यहाँ से एक अनोखा कहानी भी जुड़ी है कि कैसे संगवारियों के यहाँ से बराती गुजर से तेह पत्थर के बन गए और आज भी ओकर आकृति यहाँ चारों ओर आप मतलब जो देखे वह मिलते चला संगवारी को लेके चलथन और एक बारे में जानथन। अब ये देख सका था संगवारी को ये मेरा देख सका था पेटी के संदूक जो बराती मन लायर से संगवारी को जो पत्थर में तब्दील हो गए ये आप मन देख सका था ये हरे ताला ये ताला लगे देख सका था जो खोलते संगवारी को ये हरे और ये ऊपर के देख सका था आकृति जो बने संगवारी हो ये संदूक जो बराती मन लायरी से ऐसे ही अनोखा कहानी जो पत्थर में बन के तब्दील हो गए आप मन स्पष्ट रूप से देख सका था ये जो पेटी है ये आकृति पत्थर के बन गए आप मन देख सका था एकदम आकृति स्पष्ट रूप से दिखा थे ये देख सका था। देख सका था संगवारी हो ये हाथी के आप मन देख सका था आकृति के बने है सेम ये आकृति हाथी के आप मन पत्थर में देख सका था ये यहाँ से संगवारी को कहते कि हाथी और गाड़ी बैला और बारात समेत यहाँ पत्थर के बन गए ये देख सका था यहाँ पूरा देख सका था आप मन ला ये हाथी की आकृति एकदम स्पष्ट रूप से दिखा थे भाई और ये हरे कलश बोला थे कलश है कि ये देख सका था और ये चारों ओर आप मन ला यहाँ बिखरे हुए पत्थर दिखी कहते संगवारी की बराती यहाँ से गुजरी से ये पत्थर बन गए हैं पूरा एरिया से देख सका था अपने ये देख सका था संगवारी हो आज भी ये अवशेष है और मान्यता है कि संगवारी हो यहाँ से बराती मन गुजरी से तब पत्थर के बन गिरी से ऐसे अनोखा कहानी है ये मेरे के जो तालाब है देख सका था और ये देख सका था आज भी अगर अवशेष है ये लगा थे संगवारी गाढ़ा चक्का जैसे लगा थे ये देख सका था एक बनावट ला देख सका था और थोड़ा दूर में संदूक है बैला गाड़ी है अलग अलग आकृति के यहाँ पूरा चारों ओर बिखरे हवाए ये देख सका था ये करे ठाऊ हवाए ये आकृति आप मान ला दिखा था देख सका था पूरा मिट्टी में दबे संगवारी ये देख सका था ये देख और ये देख सका था प्राचीन देवी देवता भी यहाँ मेर विराजमान है ऐसे लगते संगवारी को देख सकता पूरा चारों ओर मिट्टी में दबे दबे है ऐसे संगवारी हो छत्तीसगढ़ के एक अनोखा और रहस्यमय जगह रहे देवताहा तालाब। आज भी संगवारी हो तालाब से बराती मन के अवशेष और तालाब के आसपास में बराती मन के सामान बिखरे पड़े ही आज भी संगवारी हो ये देवताहा तालाब रहस्यमय से भरे हवा।
हमन के बहुत पुराना मतलब हमर बाप मन हमर दर बाबा मन बताए कि यो तालाब में रवन रिसे गाड़ा रवन। अच्छा। अब गाड़ा रवन उमल आवा जाही कर रहे तालाब हरी से सूखा। जब तालाब के अंदर बराती में नहीं नौती दुल्हन लेकर के वापस आई तब जानते हैं कि अभी लंग थिराली तालाब है सूखा है थिराली करके तो वो तालाब हा पानी भर गए। जब उमन तालाब में छई हाथ रिस्ता छई हैं तो तालाब हा पानी भर गए। अब पानी भरे के बाद उमन सब खत्म हो गए। उमा के दू चार ठन अभी कुछ कुछ उमन के जो उन्हें पत्थर मूर्ति जो उन्हें तालाब में देखे ले मिल जाते ओकर अवशेष जो बचे पत्थर लहूट गिरी पत्थर लहूट गिरी अवशेष बचे है तेमन तालाब में कुछ कुछ देखे ले मिल जाते। अच्छा ठीक। अच्छा और अभी तक के तालाब के मतलब महिमा हवा तला लेना तो कुछ चीज ले पथरा सथरा कोई आदमी नहीं ला सका। हाँ हाँ। अल्लाह ही तो सर बता दी वहाँ। अच्छा संगवारी हो ये वीडियो आप मल्ला कैसे लगी कमेंट करके जरूर बतिया। संगवारी हो चैनल में नया संगवारी हो तो चैनल ला सब्सक्राइब कर दिया और वीडियो लाइक कर दिया। मिलते हैं संगवारी हो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लिए जय भारत जय छत्तीसगढ़।